देखिए, जो लोग बिना वजह घरों से निकल रहे हैं, आराम से कोई कारण नहीं है फिर भी घूम रहे हैं, तो उनको समझाइश देने के लिए और कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए शहर में जो कोरोना पॉजिटिव लोग जो घूम रहे हैं उनकी पहचान करने के लिए हमने शहर में जो है ये इस तरह का सैंपल लेने का काम शुरू किया है। सर, अभी तक कितने हो गए हैं? अभी हमने शुरू किया है, अभी तक लगभग 50 के आसपास हमने सैंपल कर लिया है और आगे भी हम सैंपल करते रहेंगे। ठीक। सभी जो सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही थी, आज अभी देखा गया कि बस पे भी सवारी जो थी उनकी भी सैंपलिंग ली गई है, इसको लेके क्या कहेंगे सर आप? देखिए, कोरोना कर्फ्यू चल रहा है और कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा अलग अलग तरह से प्रयास किया जा रहा है और कोरोना कर्फ्यू को लागू कराया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज जो है एडीएम साहब की उपस्थिति में यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा रैंडम सैंपलिंग की जा रही है और ऐसे लोग जो शहर में किसी कारण से या अनावश्यक कारण से बाहर निकलते पाए जा रहे हैं उनकी रैंडम आरटी टेस्ट किया जा रहा है और अगर कोई व्यक्ति उसमें पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको सीधे यहाँ से कोविड केयर सेंटर भी भेजा जाएगा। सर, जिस तरह पहले देखा गया था कि पहले जो फाइन लगाया जा रहा था और चेकिंग की जा रही थी, कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन अब सैंपलिंग भी की जा रही है। ये सैंपलिंग इसलिए की जा रही है ताकि हम पूरी तरह से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ सकें और लोग अपने घरों में ही रहें और बाहर कोई निकलता है तो उनमें भी रैंडम रूप से चेक करके हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कुछ संक्रमित व्यक्ति दूसरों को संक्रमित करने से बाहर निकल रहा है।